कंडक्टर के तीन ट्रेन के स्टॉप के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रेलवे विभाग से पधारे दोनों हमारे अधिकारीगण, हमारे बांकाने विस्तार के तालुका पंचायत के हमारे प्रमुख और उनकी टीम, संगठन के तमाम संगठन के भी प्रमुख और उनकी टीम और यहाँ पर विराजमान बांकाने विस्तार के तमाम भाई बंधु सबको मेरा नमस्कार। आज जब हम वाकाने जंक्शन में उपस्थित है तब वाकानेर के भाग में पिछले 6 महीनों के अंदर कोई भी विभाग में अगर खात मुहूर्त गणे, खात मुहूर्त कहें या कोई भी कार्यक्रम विकास के काम के अंदर लक्ष्य कोई भी कार्यक्रम कहें तो मैं मानता हूं शायद रेलवे विभाग के पास और वो भी वाकानेर जंक्शन के अंदर सबसे ज्यादा कार्यक्रम पिछले 6 महीने के अंदर हुए होंगे। वंदे भारत के स्टॉप से कुछ समय पहले, 2 महीने पहले हमारे यहाँ पर एक दूसरी ट्रेन का भी स्टॉप हुआ था, आज अलग 3 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की भी स्टॉप जब यहाँ पर हो रही है तो मोरबी जिला का जो रेलवे विभाग के अंदर वाकानेर मध्य स्थान है उस मध्य स्थान का योग्य हिसाब से विकास हो रहा है ऐसा स्पष्ट हो रहा है। अभी बात करी हमारे विभाग के अधिकारीगण ने कि यहाँ के प्रयासों से, हम सबके प्रयासों से ये ट्रेन की स्टॉप हमको मिली है। मोरबी का पूरा लोड वाकानेर के ऊपर रहता है, इस जिला का पूरा रेलवे का उपयोग, फिर वो इंडस्ट्रियल हो के पर्सनल हो, यहाँ से पूरे देश के अंदर कनेक्टिविटी जब बढ़ रही हो तब इस जिला के अंदर जो जरूरियातें थी वो जरूरियात हमने सबने साथ इकट्ठा विचार विमर्श करके माननीय श्री अश्विनी वैष्णव सर जो हमारे रेलवे मंत्री, उनके सामने हमारे ये सारे प्रस्ताव रखे और आज खुशी की बात कि वो 7 ट्रेनों की जो मांगनी हमने करी थी यहाँ से उसमें से 4 ट्रेन आज की 3 और एक पहले भी हुई थी, 4 ट्रेन की स्टॉप वाकानेर को मिल गया है। उसके लिए मैं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव साहब का और हमारे ही गुजरात के मंत्री श्री दर्शना जरदोश जी दोनों का मैं इस तबके से यहाँ से मैं उनका अभिवादन करता हूँ और उनको मैं कोटी कोटी वंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे जिले की बात सुनी और ये स्टॉप हमको दिए। विकास के काम के अंदर कनेक्टिविटी के माध्यम जब हमारे जिले में बढ़ रहा है तो रेलवे के इस स्टॉपों हमको मिलने से वाकानेर की कनेक्टिविटी पूरे देश के साथ आप आने वाले इस पर साबित होती है। ये केंद्र के अंदर हमारे माननीय श्री वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब जो पिछले 10 साल के अंदर विकास का जिन्होंने बहुत अच्छा काम इस देश के अंदर जब चालू किया है, विकसित भारत 2047 का जिनका सपना है, देश के अंदर दुनिया के अंदर देश का नाम प्रगति पर आए, बाकी देशों के साथ नजर नजर मिला के, आंख में आंख मिला के भारत आगे बढ़े और 2047 में विकसित भारत का उनका सपना संपूर्ण हो, उसके लिए अनेक प्रकार के विकास के काम पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं। सामान्य प्राइमरी काम विकास के जो हो, कि स्वच्छता हो, पीने का पानी हर गांव में पहुंचे, कोई भी प्रकार का भेदभाव रखे बिना पूरे विस्तार के अंदर, पूरे देश के अंदर विकास हो, वो उनका मंत्र रहा है। सामान्य आदमी, अंत के गांव का आदमी, अंत के विस्तार का आदमी का विकास होगा तभी पूरे देश का विकास होगा, ये उनका एक मूलभूत विचार रहा है। तब जब सारे विकास के काम हो रहे हों तब ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़े उसके लिए खास हमारे इस विस्तार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आपको उपलब्धि मिली, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज बढ़ रहे हैं, हमारे पिछले 2 दिन के अंदर 5 बड़े खात मुहूर्त करने में आई इस विस्तार के, और आज जब रेलवे के कार्यक्रम में उपस्थित हैं तब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कनेक्टिविटी में मोरबी जिला और वाकानेर कहीं पीछे रहा नहीं है और आगे आने वाले समय में इस कनेक्टिविटी के वजह से जो मूलभूत जरूरियात हैं हमारे पब्लिक की वो पूरी होंगी, वो हमको दिखाई दे रहे हैं। विकास के ये सारे मंत्र, विकास के ये सारे कार्य हमको जब प्राप्त हो रहे हैं तब
आज इस मंच ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी साहेब का मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से विकास अंत के व्यक्ति के अंत के विस्तार तक पहुंचाया है, वो उससे बड़ी कोई भी काम इतने सालों में जो किसी भी सरकार ने ना किया हो, वो इस 10 साल के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी साहब की सरकार के अंदर हमको इस विस्तार के अंदर पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है। आज हमको ऐसे दिन देखने मिल रहे हैं, किसी ने ना सोचा था ना प्रयास करा था इस प्रकार के जब काम हो रहे हैं देश के अंदर। इसरो के हमारे साइंटिस्ट के द्वारा चंद्र के साउथ पोल पे हमारे देश के साइंटिस्ट के प्रथम प्रयासों से लैंडिंग हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा पहला नंबर आया, पहली बार किसी ने उस क्षेत्र में लैंडिंग करवाया हो, हमारे भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने। अमेरिका का भी लैंडिंग उस क्षेत्र में अभी कुछ समय के पहले हुआ, थोड़े ही दिनों के पहले हुआ, वो दूसरा देश था। तब जब इतने ही सारे विकास के काम हो रहा है और गर्व से हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर हमारा देश पहली मंजिल पे इतने सारी जगहों पर है, तब उस प्रकार का जब विकास का काम हो रहा हो, तब आने वाले समय में, और मैं तो मानता हूं अभी हमने हमारे इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में से आए हुए हमको जो प्रोत्साहन दे रहे थे मतदान के लिए, एक दो दिन के अंदर ही ऐसे लग रहा है कि अब ये 10 साल की सरकार फिर से परीक्षा के मैदान में उतरेगी। तब इस देश के अंदर इस विकास को देख के, इस विकास के भाग रूप होकर आने वाले समय के अंदर हमारे प्रधानमंत्री श्री को तीसरी टर्म एकदम जंगी बहुमति से रिकॉर्ड मार्जिन से हम सब यहां से उनको इलेक्ट करके देश में भेजे, जिसके वजह से आगे के समय में भी जिस रफ्तार से विकास चल रहा है और रहा है पिछले 10 सालों के अंदर, वो आने वाले 5 साल के अंदर भी पूरे देश के अंदर इसी रफ्तार से ये सरकार का विकास का काम आगे बढ़े, ऐसी आशा के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के, मतलब कल शाम को ही ये कार्यक्रम की चर्चा हुई, आप सब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में उपस्थित रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तंत्र रेलवे विभाग ने जो ये कार्यक्रम इतनी जल्दी इकट्ठा किया है, उसके लिए मैं विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूँ। रेलवे विभाग का और वाकालय का बहुत पुराना संबंध रहा है, और आज इस मंच में से वाकालय का और वाकालय जंक्शन को इस स्टॉप के माध्यम से हमारे जिला के अंदर और विस्तार के अंदर सबको ये विकास का लाभ मिलेगा, ये स्टॉप का लाभ मिलेगा, जिसके जरिए लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो हमको 3 आज मिली है, वो उसके माध्यम से हम वाकानेर वासियों देश के अलग अलग कोने तक पहुंच पाएंगे और हमारे जीवन जरूरियात हमको बेनिफिट मिला है। तो उस माध्यम से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सबके तरफ से मैं विभाग का और केंद्र सरकार का रेलवे मंत्रालय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इतना कहकर मेरी बात को विराम देता हूँ। बोले भारत माता की जय। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। यात्रियों को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आज से पोरबंदर सांतरागाछी कवि गुरु एक्सप्रेस जो कि प्रति शुक्रवार आती है वाकानेर स्टेशन पर 13:58 पर आएगी और 2 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 22905 ओखा शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 17 मार्च से प्रति रविवार वाकानेर स्टेशन पर 13:58 आएगी और 14 बजे रवाना होगी। ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रति बुधवार और गुरुवार 20 मार्च से वाकानेर स्टेशन पर 13:58 आएगी और 14 बजे रवाना होगी। आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये स्टॉपेज मिल जाने से न केवल वाकानेर बल्कि पूरे मोरबी विस्तार के लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनों का लाभ मिलेगा। और हमारे बीच यहाँ पे आज वाकानेर के तो प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि हैं, साथ ही मोरबी पत्रकार एसोसिएशन के रिपोर्टर्स भी पधारे हुए हैं, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ ही देर में पोरबंदर सांतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाकानेर स्टेशन पर आएगी, जिसे माननीय सांसद महोदय श्री केसरी देवसी जी झाला तथा अन्य गणमान्य अतिथि हरी झंडी दिखाकर स्टॉपेज का शुभारंभ करेंगे।
जिससे पहले आभार प्रदर्शन की सुखद परंपरा का निर्वाह करने के लिए सादर आमंत्रित हैं पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सुनील कुमार मीना जी। सीनियर डीसीएम सर आप आए और सभी का आभार प्रकट करें। सीनियर डीसीएम सर नमस्कार। माननीय सांसद श्री केसरी देव सिंह झाला जी, यहाँ पधारे हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित हमारी वातानुकूलित जनता, आज के इस महत्वपूर्ण समारोह को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने के लिए हम पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल की ओर से यहाँ मंच पर मौजूद सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों ने अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से इस महत्वपूर्ण समारोह की शोभा बढ़ाई है, जिसके लिए हम पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल की ओर से आप सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सदैव हमारे तथा रेल उपभोक्ताओं के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सेतु की भूमिका निभाई है। आप सभी का पुण्य धन्यवाद। बापा ने देखा दियो, हाँ बस आए बापा बाहर आओ आए हम, हाँ बस आ रेडी रेडी यस 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 चलो भाई रेडी बताओ बापा।
शालीमारी बंगाल में शालीमार और पोरबंदर शालीमार तीन ट्रेन्स का स्टॉप का कार्यक्रम आज यहाँ पर करने में आया था। केंद्र सरकार और रेलवे विभाग से हमारे माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को दरखास्त करने में आई थी प्रतिनिधियों के मंडल के द्वारा 60 ट्रेनों की मांगनी जो करने में आई थी स्टॉपेज के लिए वहाँ करने में, जिसकी वजह से मोरबी जिला कोल्हापुरे मिले, उसमें से आज के तीन और एक अगाव मतलब 4 ट्रेन की स्टॉपेज इस जिला को मिली मोरबी जिला को मिली है, जिसके वजह से मोरबी वासियों को पूरे देश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, खास करके हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी कनेक्टिविटी खूब अच्छी तरह से बढ़ेगी और इसका लाभ अंत के व्यक्ति को मिलेगा।